नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओशेनिया कॉन्टिनेंट को समाप्त किया और हम जान पाए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हमें जाननी है, और अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में जो पेंडिंग पॉइंट थे उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इतने बड़े क्षेत्रफल को एक बार में समझ पाना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट भी होगा। तो हम लोग इसको, हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि इनके क्षेत्रों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम लोग बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग इनके झील के बारे में जान पाए थे। आज जो हमारा हेडलाइन रहेगा यहाँ पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत विक्टोरिया झील, आप लोग हेडलाइन दीजिएगा विक्टोरिया झील, और आप ये मैप जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया रहे कि विक्टोरिया झील आखिरकार कहाँ कहाँ से जा रही है। आप देख पाएंगे इजिप्ट, नॉर्थ सूडान, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, साउथ सूडान, युगांडा, केनिया, तंजानिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, और अंततः यहाँ पे सोमालिया। यानी इतने क्षेत्र आपको यहाँ पे जानने हैं। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि श्रृंग देश, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आप देख पा रहे होंगे ये एक सींग की तरह यहाँ पे आकृति बन रही है, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा आपका विक्टोरिया झील से। आप देख पा रहे होंगे ये जो झील यहाँ पे, ये डायमेंशन आप देख पा रहे हैं, यही है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, ठीक है, इस डायग्राम को आप लोग खुद बनाइएगा। और इसके बाद आप देख पाएं कि इसी विक्टोरिया झील से एक नदी निकलते हुए जा रही है जो फाइनली यहाँ पे भूमध्य सागर में, जो यहाँ पे भूमध्य सागर हम लोगों ने पढ़ा था, भूमध्य सागर में अपना जल गिरा रही है। यानी ये जो नदी जा रही है, इस नदी का नाम है नील नदी। नील नदी, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। यानी अब आप ये जान पा रहे हैं कि इसका उद्गम आखिरकार हो कहाँ से रहा है, तो विक्टोरिया झील से। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट जानिएगा आप लोग कि विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ से होते हुए जा रही है। आप देख पाए युगांडा, केनिया और तंजानिया, इनकी सीमा पे तो ये अवस्थित है, ध्यान से देखिएगा, युगांडा, केनिया और तंजानिया, यानी इनकी सीमा पे ये झील अवस्थित है। और इस झील से जो सबसे लंबी नदी विश्व की है वो है नील नदी, जिसको वाइट नील के नाम से जाना जा रहा है, जिसको वाइट नील के नाम से जाना जा रहा है। ये फाइनली युगांडा, साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान से होते हुए, इजिप्ट से होते हुए फाइनली यहाँ पे डेल्टा नुमा आकृति बना रही है और भूमध्य सागर में गिर जा रही है ना। इसी को आप लोग लिखिएगा विक्टोरिया झील हेडलाइन देते हुए, इसमें मेंशन कीजिएगा कि यह झील केनिया, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर अवस्थित है। कैसे याद रखिएगा, आप इसको याद रख सकते हैं कूट से, KUT, कूट, केनिया, युगांडा, तंजानिया, यानी इनकी सीमा पे विक्टोरिया झील अवस्थित है। कैसा भी प्रश्न आए उसके अनुसार आपको तैयार रहना है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि यह झील भ्रंश घाटी में नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पे, यह झील जो है भ्रंश घाटी में, विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में नहीं है, ठीक है जी। यानी जो ये लोकेशन है, ये कहीं ना कहीं जो रिफ्ट वैली है वो डायमेंशन यहाँ पे नहीं बनती है। और लिखेंगे ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। यानी अगर अफ्रीका के कंटेक्स्ट में बात करें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, लेकिन विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व में ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, विश्व में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील। विश्व में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मेंशन कीजिएगा आप लोग कि इस झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजर रही है। आप देख पाएंगे इस झील के ऊपर से विषुवत रेखा, हमने पढ़ा था इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, आप मैप में देखिएगा उसको हाईलाइट कीजिएगा कि इस झील के मध्य से या इस झील के ऊपर से
विषुवत रेखा गुजर रही है या गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी झील से निकलती है, यानी उद्गम क्षेत्र क्या है, विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जिसको वाइट नील कह रहे हैं, इसी झील से निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी है। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो नील नदी, लेकिन अगर यहीं पे बोल दे कि विश्व की सबसे लंबी नदी आयतन के आधार पर तो हमने पढ़ा था अमेजन नदी, है ना। यानी अगर अमेजन नदी का डायमेंशन ये है तो नील नदी का डायमेंशन ये है। देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग अपना आंसर हिट करेंगे। अगर आपसे आयतन के आधार पर नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने की क्षमता किस नदी में है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो आप लोग अमेजन नदी यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है तो नील नदी। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो वाइट नील यानी नील नदी से आप लोग परिचित हो गए, विक्टोरिया झील से परिचित हुए कि ये किन किन सीमा पे है। कूट से याद रखेंगे, केन्या, युगांडा और तंजानिया, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से होते हुए जा रही है, लोकेशन आप देख ही रहे हैं। कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नील नदी विश्व की जो सबसे लंबी नदी है किन देशों से होते हुए नहीं जाती, तो आपको ध्यान रखना है युगांडा, साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान और इजिप्ट, यानी 1, 2, 3, 4 चार देशों से होते हुए जा रही है, नाम ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब यहीं पे आप मेंशन कीजिएगा, देखिए आप कुछ यहाँ पे डॉट डॉट देख पा रहे होंगे, ये भी झील हैं। अब कौन कौन सी झील है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि केन्या और इथोपिया की सीमा पे अवस्थित है। उसी तरीके से इथोपिया में एक झील अवस्थित है और इजिप्ट और नॉर्थ सूडान की सीमा पे एक झील अवस्थित है। देख पा रहे हैं? तो मेंशन कीजिएगा इसको, पहले हाईलाइट कर लीजिएगा अपने मैप में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। इसमें लिखिएगा केन्या और इथोपिया की सीमा पर तुर्काना झील अवस्थित है। कौन सी झील? तुर्काना लेक। तो तुर्काना झील कहाँ अवस्थित है बच्चों? केन्या और इथोपिया की सीमा पर अवस्थित है। वहीं इथोपिया की उच्च भूमि पर ताना झील अवस्थित है। कौन सी झील? ताना झील यानी ताना लेक। तो ताना लेक कहाँ है? ताना लेक है इथोपिया में, और तुर्काना लेक कहाँ है? इथोपिया और केन्या की सीमा पर अवस्थित है। क्लियर है? फिर लिखिएगा कि इस झील से निकलने वाली ब्लू नील, किस झील से? ताना झील से। आप लिखेंगे ताना झील से निकलने वाली ब्लू नील खारतूम के समीप, यहाँ पे आप एक लोकेशन देख रहे होंगे, यहाँ पे एक जगह है खारतूम, देखिए मैप में और उसको मार्क कीजिए। यानी यहाँ से एक नदी निकल रही है और फाइनली ये जाके मिल जा रही है किसमें? नील नदी में, और इसको बोला जा रहा है ब्लू नील। देखिए अभी आपने समझा कि ये जो नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है ये है वाइट नील, ठीक है। प्रश्न क्या है कि वाइट नील का उद्गम कहाँ से है? विक्टोरिया झील। वहीं पूछ ले ब्लू नील का उद्गम कहाँ से है? तो ताना झील। क्लियर है? इसमें मेंशन कीजिएगा कि इस झील से यानी ताना झील से निकलने वाली ब्लू नील खारतूम के समीप वाइट नील से यहाँ पे आके मिल गई, यानी अब पानी और आगे बढ़ेगा, खारतूम के समीप वाइट नील से मिल जाती है। इसके बाद यह नदी नील नदी कहलाती है, यानी यहाँ तक यह नदी क्या कहला रही है? वाइट नील। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक ये नदी क्या कहला रही है? वाइट नील। और उसके बाद यानी इस क्षेत्र के बाद ये नदी क्या कहला रही है? नील नदी।
ठीक है जी, बारीकी वाला मामला ध्यान दीजिएगा। वाइट नील कहाँ से कहाँ तक? आपकी विक्टोरिया झील से लेके खारतूम तक, उसके बाद नील नदी के नाम से जानी जा रही है। क्लियर यहाँ तक पॉइंट? फिर लिखिएगा ताना झील से निकलने वाली, ताना झील से निकलने वाली एटबरा नदी, क्या नाम है? एटबरा नदी, एटबरा रिवर। ताना झील से आपकी ये ब्लू नील भी निकल रही है और इससे एक नदी भी निकल रही है। इस नदी का क्या नाम है? ताना झील से एक तो ब्लू नील नदी निकली और एक निकली एटबरा रिवर, एटबरा नदी। तो आप लिखिएगा ताना झील से निकलने वाली एटबरा नदी नॉर्थ सूडान में नील नदी में जाके मिलती है। नॉर्थ सूडान में नील नदी में, क्योंकि अब तो ये नील नदी कहला रही है, नील नदी में जाके मिल जाती है। क्लियर? एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर लिखिएगा नील नदी पर निर्मित असवान बांध, नील नदी पर निर्मित असवान बांध का जलाशय नासिर झील। देखिए इसमें मेंशन कीजिएगा कि पहला एक पॉइंट लिखें, एक झील तो आप जान पाए ताना झील, ये ताना झील हो गई, ये तुर्काना झील, ये ताना झील है ना। एक सेकंड इसको हटा दे रहे हैं। और जो ये वाली झील है इसका नाम है नासिर झील। क्या नाम है? नासिर झील। नासिर लेक, इसके बारे में एक पॉइंट लिखिएगा पहले कि नासिर लेक इजिप्ट और नॉर्थ सूडान की सीमा पर अवस्थित है। नासिर लेक इजिप्ट और नॉर्थ सूडान की सीमा पर अवस्थित है और नील नदी पर निर्मित असवान बांध, ध्यान से देखिए असवान बांध बना कहाँ पे है, नील नदी पर निर्मित असवान बांध, इसका नाम है नील नदी पर निर्मित असवान बांध का जलाशय नासिर झील जो उत्तरी सूडान और इजिप्ट की सीमा पर अवस्थित है वहाँ पे एकत्रित कर लिया जाता है। क्लियर यहाँ तक? लोकेशन से परिचित हो पाए, ये नदी किन किन क्षेत्रों से जा रही है, कौन सा बांध बना हुआ है, असवान बांध बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा, एक डैम यहाँ पे और बना हुआ है ब्लू नील के ऊपर, आप अपने मैप में जरूर देखें, इसका नाम है सिन्नार डैम। कहाँ बना है? ब्लू नील ये जा रही है, ब्लू नील पे सिन्नार डैम कुछ यहाँ बना हुआ है। क्या नाम है? सिन्नार बांध, सिन्नार डैम। क्लियर है? असवान बांध कहाँ बना है? इजिप्ट में बना है नील नदी पे। सिन्नार बांध कहाँ बना है? ये जो ब्लू नील जा रही है ये कहाँ बना है? ये कहीं ना कहीं नॉर्थ सूडान के अंतर्गत ये बना हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे आपने मेंशन किया तुर्काना झील, ताना झील और नासिर झील, तीन झील हो गई और सबसे बड़ी झील अफ्रीका की विक्टोरिया झील। क्लियर यहाँ तक? बहुत सारे पॉइंट इसी मैप के अंतर्गत आपके आंसर हो जाने चाहिए, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मेंशन कीजिएगा इसमें कि अंगोला में बेंगुएला, एक मिनट, मैप में देखिए जगह अंगोला, अंगोला में बेंगुएला और तंजारा रेलवे का पश्चिमी जंक्शन होने के कारण, अंगोला में बेंगुएला तंजारा रेलवे का पश्चिमी जंक्शन, तंजारा रेलवे, तंजारा रेलवे का पश्चिमी जंक्शन होने के कारण या होने के साथ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। आप मैप में देख पाइएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिए। फिर लिखिएगा इस बंदरगाह पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए लोबितो बंदरगाह का विकास अंगोला में किया गया है। कौन सा बंदरगाह? लोबितो बंदरगाह।
लोबितर बंदरगाह का विकास किया गया है जो वर्तमान में एक आधुनिक बंदरगाह है, जो वर्तमान में एक आधुनिक बंदरगाह है। ठीक है, इसी में लिखिएगा कि अंगोला की राजधानी लुआंडा भी एक बंदरगाह शहर है। अंगोला की राजधानी लुआंडा, अंगोला की राजधानी लुआंडा भी एक बंदरगाह शहर है। एक बंदरगाह शहर है, ठीक है, अंगोला की राजधानी लुआंडा। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा यहाँ पे कि मिटुम्बा माउंटेन, लिखेंगे मिटुम्बा माउंटेन से निकलने वाली कोंगो नदी, मिटुम्बा माउंटेन, मिटुम्बा पर्वत से निकलने वाली कोंगो नदी किंग शाशा और मैं जो नाम बोल रहा हूँ उनको नोट, इनको हाईलाइट कीजिएगा मैप में कि मिटुम्बा पर्वत से निकलने वाली कोंगो नदी कौन सी नदी है, कोंगो नदी किनशासा और ब्राजीविले, किनशासा और ब्राजीविले, इसको मार्क कीजिएगा आप लोग, किनशासा और ब्राजीविले से होते हुए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है कोंगो नदी, है ना। और यह नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, कौन सी, कोंगो नदी, यह नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थोड़ा इसमें डायग्राम के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए ये विश्व हो गया, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, 23.5 डिग्री कर्क रेखा आप जान रहे हैं बहुत अच्छे से, और 23.5 डिग्री मकर रेखा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मकर और कर्क, और ये विषुवत। अभी जो आपने लिखा कोंगो नदी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार परीक्षा में देखने को मिलता है कोंगो नदी, इसको जायरे नदी भी बोलते हैं, कोंगो नदी जायरे नदी भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा समझिए एक चीज़ कि ये मिटुम्बा पर्वत से निकल रही है कोंगो नदी और फाइनली किनशासा और ब्राजीविले से होते हुए दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिर रही है। उसके बाद आप देखिएगा कि ये नदी विषुवत रेखा को दो बार काट रही है, यानी अगर ये ऐसे बह रही है तो ऐसे बहते हुए वापस आते हुए फिर यहाँ से काट दे रही है। क्या नाम है इसका, कोंगो नदी, कोंगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। एग्जाम में पूछ ले कि कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, तो कर्क रेखा को दो बार काटती है माही नदी। कहाँ है ये माही नदी, भारत में, ठीक है। और कोंगो नदी कहाँ है, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये माही नदी कहाँ है, भारत में, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मकर रेखा को कौन सी नदी है जो दो बार काट रही है, दो बार क्रॉस कर रही है बहते हुए, तो लिम्पोपो नदी, यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे लिम्पोपो, ये भी ऐसे बहते हुए ऐसे काट रही है, इसका नाम है लिम्पोपो नदी। क्लियर है जी, आपसे सिंपल सा प्रश्न आएगा कि भाई विषुवत रेखा को कौन सी नदी विश्व की है जो दो बार काटती है, तो आपको ध्यान रखना है कोंगो नदी, जिसको जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है, जायरे नदी। वहीं आपसे पूछ ले कि मकर रेखा को दो बार कौन काटती है, तो लिम्पोपो नदी।
कर्क रेखा को दो बार कौन काटती है कर्क रेखा को, तो माही नदी। याद रख पाइएगा, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब यहीं पे आप लोग मेंशन कीजिएगा कि कसाई नदी इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, किसकी, कांगो नदी की। आप लिखिएगा कि कसाई नदी कांगो नदी की, कसाई नदी कांगो नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कौन, कसाई नदी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि जो डायमंड रिजर्व यानी डायमंड भंडार, हीरे भंडार की दृष्टि से अफ्रीका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है ये, किसका, द डायमंड भंडार, जो डायमंड भंडार की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है, ठीक है, कांगो नदी के संदर्भ में आप लोग लिख रहे हैं। उसके बाद लिखिएगा कि कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भाई अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की भी सबसे लंबी नील नदी है, लेकिन अगर अफ्रीका की दूसरी नदी पूछ ले लंबी कौन सी है, तो कांगो नदी। तो लिखिएगा कि अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है जी, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कांगो नदी, जो विषुवत रेखा को दो बार पार कर रही है, जिसकी कसाई नदी जो है सहायक नदी है, बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और डायमंड भंडार कहीं ना कहीं यहीं पे देखने को मिल रहे हैं। क्लियर यहां तक। अब ये जो कांगो वाला जो क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे एक समुदाय पाया जाता है जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा कि कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो विश्व में सबसे छोटे कद के समुदाय, जो विश्व में सबसे छोटे कद के समुदाय जिनको बोला जाता है पिगमी जनजाति, सुना है आप लोगों ने, क्या बोलते हैं, पिगमी जनजाति कहाँ निवास करती है, कांगो, कांगो में निवास करती, कांगो नदी में नहीं, कांगो क्षेत्र, आप देखिए मैप में मार्क कीजिए उसको, है ना, कांगो नदी लिखिए इसमें कि कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी विश्व दूसरी सबसे लंबी नदी है, और जो विश्व में सबसे छोटे समुदाय यानी पिगमी जनजाति का निवास स्थल भी है कांगो। बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में आया है कि पिगमी जनजाति कहाँ निवास करती है, कांगो, ज़ाहिर है, क्लियर है। अब इसी में लिखिएगा माउंट कैमरून, मेंशन कीजिएगा माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, माउंट कैमरून, मैं रेस कर रहा हूं, माउंट कैमरून, इसमें लिखिएगा कि माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। माउंट कैमरून क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत एकमात्र अफ्रीका के अंतर्गत, ठीक है, तो पूछना बनता है। तो इसमें लिखिएगा कि इस पर्वत का तटवर्ती ढाल अफ्रीका में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी इस पर्वत का तटवर्ती ढाल, तटवर्ती ढाल सर्वाधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है, या आप ऐसे ले सकते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये माना जा रहा है, ठीक है। इसी में लिखिएगा कि अफ्रीका में गुएना की खाड़ी का, गुएना की खाड़ी, आप देखिए मार्क कीजिए उसको मैप में, इन्फॉर्मेशन करेंगे कि अफ्रीका की गुएना की खाड़ी, अफ्रीका की गुएना की खाड़ी का तटीय क्षेत्र खनिज तेल भंडार और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गुएना की जो खाड़ी है ये, इसमें मेंशन करेंगे आप लोग कि तेल भंडार और उत्पादन की दृष्टि से, तेल
तेल भंडार और उत्पादन की दृष्टि, तेल भंडार और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ नाइजीरिया के तट पर नाइजर नदी, वहीं पर मैप में देखिएगा, यहाँ नाइजीरिया के तट पर नाइजर नदी नाइजर नदी डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित, नाइजर नदी के डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित पोर्ट हारकोर्ट, आप देखिएगा उसमें पोर्ट हारकोर्ट, पोर्ट हारकोर्ट खनिज तेल के उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। पोर्ट हारकोर्ट जो है खनिज तेल के उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। ठीक है, अब नाइजर नदी की बात करें तो इसमें लिखिएगा कि नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, नोट दैट पॉइंट कि नाइजर नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, दो तीन पॉइंट एक जगह बना के लिख लीजिए कि विश्व की या अफ्रीका की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है भाई, नील। अगर केवल आपसे बोल रहा है कि विश्व की आयतन के आधार पर लंबी नदी तो कौन सी है भैया, अमेज़न नदी। अगर यही बोल रहा है कि अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी तो कौन सी है, कॉन्गो। वहीं अगर बोले पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी तो यहाँ आप मेंशन करेंगे नाइजर नदी। नाइजर रिवर, ठीक है जी, ये तीन चार पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो कहीं ना कहीं सिमिलर लगते हैं और गलत होने के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है कि नहीं है। अफ्रीका की कौन से नंबर की, तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। क्लियर, फिर मेंशन कीजिएगा कि यह नदी माली में, आपने माली क्षेत्र देखा उत्तर में, कि यह नदी माली में अंतःस्थलीय डेल्टा और नाइजीरिया के तटीय डेल्टा को बनाती है और इस नदी का सर्वाधिक उपयोग पाम ऑयल को ले जाने के लिए किया जाता है। यानी इस नदी का सर्वाधिक उपयोग पाम ऑयल ले जाने के लिए किया जाता है, पाम ऑयल ले जाने के लिए किया जाता है ना, जिसके कारण इसे रिवर ऑफ पाम ऑयल भी कहा जाता है, जिसके कारण इसे रिवर ऑफ पाम ऑयल, किसकी बात हो रही है, नाइजर नदी की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, रिवर ऑफ पाम ऑयल के नाम से किसको जाना जाता है, नाइजर नदी को, जो अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी। ठीक है, और यहीं पे एक हवा चलती है, वायु हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा कंसेप्ट में आएगा, बट फिर भी यहाँ पे आप लिख लीजिए कि यहाँ की हवाओं को हरमैटन हवा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है, हरमैटन, यहाँ की हवा को हरमैटन हवा के नाम से जाना जाता है।
क्लियर है। अब यहीं पर हम बात करेंगे, लाइन चेंज करके लिखिएगा, आपने एक क्षेत्र पढ़ा घाना, आप देख पाएंगे घाना जहाँ से देशांतर रेखा जो ग्रीनिश से होते हुए आ रही है ना, तो आप इसमें मेंशन कीजिएगा कि वोल्टा घाना की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अफ्रीका का जो ये वाला क्षेत्र था, आप यहीं कहीं देखेंगे घाना है ना। सबसे पहला पॉइंट तो मेंशन कीजिएगा कि घाना का पुराना नाम, घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट, घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट। अब यहीं पे मेंशन कीजिएगा कि वोल्टा घाना की एक महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी? वोल्टा। वोल्टा घाना की एक महत्वपूर्ण नदी है जो गुयेनिया से, जो गुयेना की खाड़ी में गिरती है, जो गुयेना की खाड़ी में गिरती है। आप देख पाएंगे यही खाड़ी है, यहीं पे नदी गिर रही है। कौन सी? वोल्टा। क्लियर है, नाम से परिचित हो तो होते रहिएगा। अब लिखिएगा इसमें कि इस नदी पर निर्मित अकोशोम्बा बांध, कौन सा बांध है? इस नदी पर निर्मित अकोशोम्बा बांध का जलाशय वोल्टा झील है, और वोल्टा नदी के द्वारा घाना में सिंचाई के साधन के उपलब्ध होने के कारण यह कोको की कृषि के लिए, कोको मतलब कॉफ़ी की बात हो रही है, कोको की कृषि के विकास के लिए अनुकूल दशाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे यहाँ के कोको ट्रायंगल से कोको का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अभी कोको ट्रायंगल क्या है? आपने सुना होगा गोल्डन ट्रायंगल, सुने हैं रेक्टेंगल ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल कहीं ना कहीं भारत में सड़कों को परिभाषित कर रहा है, दिल्ली जयपुर आगरा। रेक्टेंगल ट्रायंगल डिनोट कर रहा है दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता। रेक्टेंगल ट्रायंगल स्वर्णिम चतुर्भुज है ना। अब यहीं पे ध्यान दीजिए, कोको ट्रायंगल आपसे पूछा जा रहा है, तो कोको ट्रायंगल किन तीन देशों के मध्य बन रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा जिसको कहवा त्रिभुज के नाम से जान रहे हैं, कोको ट्रायंगल कहवा त्रिभुज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता है ना, कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो जो एक सेकेंड, ये कुछ ऐसे है, कुछ ट्रायंगल ऐसे है। आप अपने मैप में देखिएगा, एक क्षेत्र देख पा रहे होंगे एकरा है ना, उसके नीचे देख पाएंगे टोकोरेंडी। देखिए, देख पाए मैप में, मिल गया, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग। और ऊपर देखेंगे कुमासी, ये जो जगह है कुमासी, ठीक है जी। आप लोगों से मैंने एक प्रश्न पूछा था, अगर आपको ध्यान हो, एक बच्चे ने आंसर दिया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा बच्चे का। मैंने पूछा था कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे समुद्री जहाज के कंपास वगैरह काम करने बंद कर देते हैं, है ना, तो वो कौन सा ट्रायंगल था? बरमूडा ट्रायंगल। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि बरमूडा ट्रायंगल बन रहा होगा या इस आकृति का किन तीन क्षेत्रों से बन रहा है। आपके लिए होमवर्क है, इस पर वर्कआउट करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ लिखेंगे कोको ट्रायंगल यानी कहवा त्रिभुज में कौन कौन शामिल, कुमासी, टोकोरेंडी और एकरा। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा, लाइन चेंज करके लिखें कि फोटा
डेजलिन से निकलने वाले फोटा डेजिल से निकलने वाली गैम्बिया और सेनेगल नदी, मार्क कीजिए उसको देख के, गैम्बिया और सेनेगल नदी, फोटा डेंजिल से निकलने वाली गैम्बिया और सेनेगल नदी, गैम्बिया और सेनेगल नदी का निकास उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है। और लिखेंगे कि गैम्बिया नदी सेनेगल और गैम्बिया के मध्य, जबकि सेनेगल नदी मारुटेनिया और सेनेगल के मध्य एक राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है, एक राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि नील नदी बेसिन, अब इजिप्ट की तरफ वापस ला रहा हूँ आपको, लिखिएगा नील नदी बेसिन सहारा मरुस्थल को, नील नदी बेसिन सहारा मरुस्थल को इजिप्ट के ईस्टर्न मरुस्थल से अलग करती है। इजिप्ट का ईस्टर्न, जो एक तो वेस्टर्न हिस्सा हो गया, ईस्टर्न मरुस्थल से अलग करती है। और इस नदी के कारण इजिप्ट के सहारा मरुस्थल में सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हैं और जहाँ पे कृषि भी बहुत अच्छी खासी देखने को यहाँ पे मिलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाइफ लाइन ऑफ अफ्रीका, जैसे लाइफ लाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हम लोगों ने पढ़ा था, मर्रे और डार्लिंग नदियाँ थी, तो यहाँ पे लाइफ लाइन ऑफ अफ्रीका नील नदी को माना जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इजिप्ट में नील नदी बेसिन अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। नील नदी बेसिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये क्षेत्र है। डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर मेंशन कीजिएगा कि सूडान में सहारा मरुस्थल को न्यूबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा कि सूडान में सहारा मरुस्थल को नूबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नूबियन। नूबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है सहारा मरुस्थल को। ठीक है, कहाँ पे? सूडान में। फिर लिखिएगा कि नाइजर, नाइजीरिया, कैमरोन और चाड, CHAD, ये जो मैंने नाम बोले हैं मैप में सर्च कीजिए अपने और मार्क कीजिए उसको, चाड। इसमें लिखेंगे नाइजर, नाइजीरिया, कैमरोन और चाड नदी की सीमा पर, सॉरी चाड की सीमा पर अवस्थित चाड झील सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। जो चाड झील है ये इनकी सीमा पर अवस्थित है, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, है ना, और एक क्षेत्र आपका हो गया कैमरून। ये यहाँ की सबसे बड़ी झील देखने को मिल रही है, यानी सहारा मरुस्थल में सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? चाड झील। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में कि सहारा मरुस्थल से संलग्न दक्षिण के अर्ध शुष्क क्षेत्र को सहल प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? सहल प्रदेश, सहल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सहारा मरुस्थल से संलग्न दक्षिण के अर्ध शुष्क क्षेत्र को सहल प्रदेश कहते हैं, जिसका विस्तार मारुटेनिया माली से लेकर सूडान तक है। उनको हाईलाइट जरूर कर दीजिए। ठीक है, और इस क्षेत्र में भूमि का दुरुपयोग किए जाने के कारण सहारा मरुस्थल का दक्षिण की ओर विस्तार होने से अर्ध शुष्क प्रदेश यानी मरुस्थलीय प्रदेश में ये परिवर्तित हो गया है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, अब इथोपिया के हाईलैंड की तरफ अगर हम लोग बात करें, इथोपिया की जो उच्च भूमि है, जरा यहाँ पे समझिए, इसमें लिखिएगा आप लोग कि इथोपिया की उच्च भूमि से निकलने वाली जूबा सिबली, मैं नाम लिख रहा हूँ, ये यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। आपने देखा इथोपिया की उच्च भूमि से निकलने वाली जूबा शिबली और सोमालिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। सोमालिया की ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, निकलने वाली जूबा और शिबली ये सोमालिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। उसके बाद देखेंगे शिबली जूबा से मिलती है और जबकि जूबा का निकास उत्तरी हिंद महासागर में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी हम लोगों ने लिम्पोपो नदी के बारे में बात करी, जो कर्क मकर रेखा को दो बार काट रही थी, वहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना जिम्बाब्वे की सीमा से होते हुए, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना जिम्बाब्वे की सीमा से होते हुए मोजाम्बिक में प्रवेश करती है, जहाँ इसका निकास डिलोगा की खाड़ी में, जहाँ इसका निकास डिलोगा, जहाँ इसका निकास डिलोगा की खाड़ी में हो जाता है। और यह नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, यह आप जान ही रहे हैं। इसमें लिखिएगा कि इस नदी के मुहाने के समीप मपूतो बंदरगाह अवस्थित है। कौन सा बंदरगाह है? इस नदी के मुहाने के समीप मपूतो बंदरगाह है। और ये मपूतो क्या है? ये मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो। और मपूतो बंदरगाह कहीं ना कहीं इसी नदी के मुहाने पर अवस्थित है, ठीक है। अब यहीं पे आप लिखेंगे किली मंजारो, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा किली मंजारो। किली मंजारो, इसमें लिखिएगा कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किली मंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? ये तंजानिया में। कहाँ है किली मंजारो? तंजानिया में अवस्थित है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत भी है, सक्रिय नहीं बोला मैंने, यह एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। कहाँ है? तंजानिया में, ठीक है। मैप में देख के इसको मार्क कीजिएगा। फिर लिखिएगा कि विषुवत रेखा के नज़दीक होने पर भी यहाँ बर्फ जमती है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। विषुवत रेखा के नज़दीक होने पर भी विषुवत रेखा के नज़दीक होने पर भी यहाँ बर्फ जमती है। भाई आपने देखा जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, यहाँ पे तो सूर्य की किरण लंबवत पड़ती हैं, दोपहर के समय सिर के ऊपर होता है सूर्य, तो बर्फ़ कैसे जम रही है? तो कहना कहीं अद्भुत नज़ारा है। परीक्षा में पूछना बनता है किलिमंजारो के बारे में, है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तंजानिया। लिखेंगे अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केनिया। अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है?
माउंट केनिया, कौन है माउंट केनिया और कहाँ है ये? केनिया में, ठीक है, इसका आप नोट कीजिए इसको साथ साथ। क्लियर है कि अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केनिया और कहाँ है बच्चों ये? केनिया में। इसमें लिखिएगा एक पॉइंट, यह विषुवत रेखा के नज़दीक है, उसको देखिए मार्क कीजिए वहाँ पे, यह विषुवत रेखा के नज़दीक है ना। और एक पॉइंट और मेंशन करेंगे इसमें कि माउंट रुवेनज़ोरी कहाँ है? ज़ायरे में है, ये भी विषुवत रेखा के नज़दीक है। कहाँ है? ज़ायरे, ये भी विषुवत रेखा के नज़दीक है। और इसको माउंटेन ऑफ द मून भी कहते हैं, इसको माउंट रुवेनज़ोरी को माउंटेन ऑफ द मून, माउंटेन ऑफ द मून भी कहते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? माउंटेन ऑफ द मून क्यों? जैसे ऐसा बताया जाता है कि चंद्रमा पे जिस तरीके की स्थलाकृतियाँ, जिस तरीके की सतह देखने को मिलती है, माउंट रुवेनज़ोरी भी कहीं ना कहीं उसी के समकक्ष देखने को बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पठार के, एक प्लेटो के बारे में हमें पता होना चाहिए जिसका नाम है जोश का पठार। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। क्या नाम है? जोश का पठार। इसमें लिखिएगा आप लोग कि जोश का पठार नाइजीरिया में अवस्थित है। कहाँ है? नाइजीरिया। कहाँ अवस्थित है जोश का पठार? नाइजीरिया में। भाई जोश नजर नहीं आ रही है, नाइजीरिया, समथिंग लाइक दैट यू कैन रिमेंबर, है ना। तो जोश का पठार कहाँ है? नाइजीरिया में। और ये जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं टिन के भंडार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी टिन के लिए ये बहुत फेमस है, टिन के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। क्लियर यहाँ तक? जोश का पठार। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, है ना। और यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन हमेशा कहीं ना कहीं सक्रिय रहता है, चर्चा में रहता है और एग्ज़ाम में भी कई बार देखने को आ जाता है। यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को कहीं ना कहीं वो आगे लेके चलता है, उसका नाम क्या है? बोको हरम। आप लिखिएगा कि नाइजीरिया में आतंकवादी संगठन जिसका नाम है बोको हरम, आतंकवादी संगठन बोको हरम क्या है? ये एक आतंकवादी संगठन है। कैसा संगठन है बोको हरम? कहाँ का है? नाइजीरिया। नाइजीरिया में कौन सा पठार? जोश का पठार। और किसके लिए फेमस? टिन के लिए। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। ठीक है, उसके बाद आप मेंशन कीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि भाई विश्व जो विक्टोरिया झील है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, लेकिन विश्व स्तर पे तीसरी मैंने बताई थी, तो यहीं पे मेंशन कर लीजिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। पहला पॉइंट कि भाई विश्व के स्तर पर अगर बात की जा रही है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपके पास कैस्पियन सागर। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने पढ़ा था सुपीरियर झील, याद आ रहा है? तो दूसरे नंबर पे यानी दूसरी सबसे बड़ी कौन सी झील है? सुपीरियर झील, सुपीरियर लेक। और तीसरे नंबर पे है विक्टोरिया लेक।
विक्टोरिया झील, जहाँ से विश्व की सबसे लंबी नदी निकल रही है, नील नदी। ठीक है जी, यानी अब जरा यहाँ पे दो टर्म आप लोगों के पास, एक तो आपने सागर सुना, एक टर्म आपने सुनी झील, है ना। अब जरा इनके बारे में दो पॉइंट जान पाए आप लोग, ध्यान से समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक टर्म बार बार आ रहा है, एक टर्म बार बार आ रहा है, वो है सागर, और एक टर्म है झील। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आप लोग जान पाए, थोड़ा बेसिक डिफरेंस, माइनर डिफरेंस आप लोगों को पता हो कि सागर उसको कहा जा रहा है जहाँ पे नदियाँ समाप्त हो रही हैं, अपना पानी गिरा दे रही हैं। क्या बोला जा रहा है सागर, किसको बोला जा रहा है, कि जहाँ पे नदियाँ समाप्त होती हैं, ठीक है। और झील किसको बोला जा रहा है, कि जहाँ से नदियों का उद्गम होता है, जहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, कैसे भी बना लीजिए, कि जहाँ से नदियों का उद्गम होता है उसे झील कहा जा रहा है, और सागर किसको कहा जाएगा, जहाँ पे नदियाँ आके समाप्त हो जा रही हैं, ठीक है। यहीं पे देखिए, अब जो यहाँ पे जो पश्चिमी एरिया है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, अधिकांश जगह मरुस्थल है, मरुस्थली क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक ईयर सेलिब्रेट किया गया, दशक सेलिब्रेट किया गया, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें एक बार मेंशन कीजिएगा कि डेजर्ट एरिया को कम करने के लिए, डेजर्ट एरिया को कम करने के लिए यूएनओ 2010 से वर्ष 2010 से 2020 तक मरुस्थलीय न्यूनीकरण, आप लिखेंगे कि डेजर्ट एरिया को कम करने के लिए यूएनओ 2010 से 2020 तक का दशक मना रहा है, यानी अब टाइम हो चुका है, मनाया गया है डेजर्ट एरिया को कम करने के लिए, यानी मरुस्थल को न्यून करने के लिए। यहीं पे ध्यान रखिएगा कि मरुस्थल न्यूनीकरण दिवस भी सेलिब्रेट होता है 17 जून, नोट कीजिए, मरुस्थल न्यूनीकरण दिवस, पूछना बिल्कुल बनेगा क्योंकि 10 साल इसके हो चुके हैं। क्या है मरुस्थल न्यूनीकरण दिवस, ठीक है जी। तो ये था मामला आप लोगों का अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में, और आगे जो हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग जान पाए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे आप जान पाए अफ्रीका महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप, अब आपका यूरोप, अंटार्कटिका और एशिया, यानी तीन महाद्वीप आपके बच जाते हैं। बाकी को आप रिवाइज करके रखिएगा। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, वहीं से हमारे टॉपिक आगे के लिए क्रिएट हो जाते हैं, जहाँ पे पृथ्वी के अंतर्गत अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, उनके ऊपर बात करेंगे, और वहीं से हमारे बाकी के टॉपिक भी जनरेट हो जाएंगे, जिसमें भूकंप, चट्टान, ज्वालामुखी, है ना, सुनामी, ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हैं। और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, जहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि सेशन जो है लाइव हो सके, ताकि आप लोग उसका आंसर लाइव सेशन में दे पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।